मैं ये देख रहा हूँ कि जो गोवा की सरकार है उसने पूरे गोवा में डेवलपमेंट के काम को नहीं किया है। चुनिंदा जो शहरी क्षेत्र है तो उसकी रोड्स अच्छी हैं, बाकी की उतनी अच्छी नहीं है। रोज़गार के कोई अवसर पैदा करने के लिए सरकार ने कोई योजनाएं नहीं बनाई हैं और बिना रोज़गार के लोगों की हालत अच्छी नहीं है और कोविड ने और भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। मुझे लगता है कि गोवा के अंदर जो एजुकेशन पे और हेल्थ पे काम होना चाहिए, उसके साथ साथ जो मूलभूत ज़रूरतें हैं लोगों की उस पर जो काम करने की ज़रूरत है, वो सरकारों को लगता आसानी से वो सरकार बना लेंगे, तो इसलिए वो जो ज़मीन पे काम पब्लिक के लिए करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो दिल्ली का एक काम का मॉडल, एक नई तरह की राजनीति जो शुरुआत हुई है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उसकी ज़रूरत अब गोवा को भी है। लोगों को लग रहा है कि एक राजनीति को बदलने की ज़रूरत है, एक आम यूथ को लेके या समाज के सभी वर्ग के विकास की योजना बननी चाहिए। जो योजना हो वो जो कुछ लोगों तक केंद्रित ना हो, जो देश के जो प्राकृतिक संसाधन है वो नेचुरल है, वो कि कोई माँ के पेट से लेके पैदा नहीं हुआ लेकिन कुछ ही लोगों का उस पर कब्जा है। तो देश का विकास तब है जब देश में रहने वाले सभी लोगों का सामूहिक रूप से विकास हो। मैं समझता हूँ कि गोवा के लोग जो गोवन सब तैयार हैं दिल्ली के काम के अरविंद केजरीवाल के मॉडल को अपनाने के लिए।